हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हर्ट को स्टार्ट किए थे और वहां पर हम लोग जो हैं हर्ट के बारे में जाने थे कि हर्ट क्या है उसके बारे में और उसका जो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नहीं तो आज के इस लेक्चर से हम लोग जो हैं हर्ट को और आगे बढ़ाते हुए, यानी हर्ट को आगे नहीं बढ़ाना है, यानी हर्ट से रिलेटेड जो भी और टॉपिक जो बचे हुए हैं उनकी बात किया जा रहा है। नहीं तो वो हम लोग कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, तो देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका होगा यहाँ पर हार्ट बीट, सेकेंड टॉपिक है आपका हार्ट साउंड एंड थर्ड जो है कार्डियक साइकिल। तो ये थ्री टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हार्ट बीट की बात करें, नहीं तो नॉर्मली आप लोग सुने होंगे कि कोई बच्चा अगर जैसे कोई गलत काम कर दिया, जैसे पापा कहें बाबू स्कूल जाओ, नहीं तो वो क्या हुआ कि स्कूल नहीं गया। तो इस कंडीशन में जब डैडी आएंगे घर पर, डैडी नहीं यानी पापा नहीं, तो अगर पापा घर पर आते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा का हार्ट बीट जो है ऑटोमेटिक बढ़ गया कि आज तो बाबू स्कूल नहीं गए हैं। नहीं तो ऐसे हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ये सुना होगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं हार्ट बीट होता क्या है, क्या होता है ऐसा जिसके चलते हार्ट बीट बढ़ जाता है, घट जाता है। नहीं तो देखिए हार्ट बीट पहले होता क्या है ये समझते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल के नाम से भी जानते हैं। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन सिस्टो ब्रैकेट में है सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को ही सिस्टोल कहते हैं, एंड एक्सपेंशन या इसी को रिलैक्सेशन के नाम से जानते हैं या फिर इसे डायस्टोल कहते हैं ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। यानी नॉर्मल भाषा में बोले तो रिदमिक यानी लगातार हार्ट का सिकुड़ना और फैलना, जैसे सिकुड़ेगा, जैसे हार्ट है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नहीं सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या होगा आगे पंप होगा और पुनः जब हार्ट में वापस ब्लड आएगा तो क्या होगा, तो पुनः स्थिति में अपना आएगा तभी तो ब्लड जो है इंटर करेगा। यानी लगातार हार्ट का सिकुड़ना और फैलना यानी नॉर्मल कंडीशन में आना, ये आपका कहलाता है हार्ट बीट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है एसए नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन बाय जेनरेटिंग इम्पल्सेज। तो एसए नोड जो है ये पैच ऑफ टिश्यूज होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था। नहीं एसए नोड जो है ये क्या करता है, यही है जो इम्पल्स जेनरेट करता है, हार्ट के अंदर इम्पल्स जेनरेट करेगा जिसके माध्यम से हार्ट जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। नहीं अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवर हार्ट, यानी एडल्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग एडल्ट की बात करेंगे। तो आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। नहीं यानी एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की बात किया जाए तो उसका जो हार्ट जो है 70 to 75 टाइम्स जो है वो बीट करता है। वन मिनट में 70 to 75 बार क्या होता है वो धड़कता है। एवरेज अगर बात करें तो वो होता है 72 बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 72 टाइम्स क्या होता है बीट करता है, धड़कता है। तो ये था आपका हार्ट बीट। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल होता क्या है ये हम लोग समझेंगे। द सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड टू कंप्लीट वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए हार्ट में क्या होता है साइक्लिकल मैनर में क्या होता है रिपीटेड साइक्लिकली रिपीटेड जो है घटनाएं होते हैं, नहीं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं।
ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल यानी वन कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका कितना होता है 0.8 सेकेंड होता है, नहीं यानी 0.8 सेकेंड जो है वो वन कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है, या फिर इसी को हम लोग वन हार्ट बीट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी प्रत्येक जो वेंट्रिकल है वन टाइम में वो 70 ml ब्लड को पास आउट करता है यानी बाहर निकलता है। वेंट्रिकल से वन टाइम में 70 ml जो है ब्लड जो है बाहर निकलते हैं, नहीं प्रत्येक वेंट्रिकल की बात करें तो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्डियक आउटपुट जो है, देखिए कार्डियक आउटपुट निकालना है कि जो हार्ट है नहीं वो एक मिनट में कितना ml या फिर कितना लीटर जो है ब्लड को बाहर रिलीज करता है। तो कार्डियक आउटपुट अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, कार्डियक आउटपुट बराबर है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में जितना बार हार्ट जो है आपका धड़कता है उसको मल्टीप्लाई करना है स्ट्रोक वॉल्यूम से। नहीं सपोज कार्डियक आउटपुट निकालना है तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कितना दिया गया है 70 ml है, नहीं इसको मल्टीप्लाई करना है बीट्स पर मिनट। सपोज 70 बीट्स है पर मिनट, नहीं तो 70 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा देखिए 70 से 70 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4900 ml आएगा, नहीं ml में है चूंकि इसलिए ml में आएगा, इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, नहीं 1000 से डिवाइड करेंगे इसके बाद आपका ये कुछ आ जाएगा 4.9 लीटर, नहीं 4.9 लीटर यानी अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स में इसे हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये 5 लीटर के करीब है, तो इतना होता है। नहीं एवरेज में प्रत्येक ह्यूमन की बात करते हैं तो बॉडी में ये क्या होता है 5 लीटर जो है ब्लड होता है, नहीं और ये है आपका निकला इस प्रकार कार्डियक आउटपुट। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड होता क्या है तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है हार्ट साउंड यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी साउंड्स हैं, नहीं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे हार्ट साउंड कहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट टू साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है थ्रू स्टेथोस्कोप, यानी प्रत्येक हार्ट बीट के टाइम क्या होता है कि दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं हार्ट के द्वारा, जिन्हें हम लोग स्टेथोस्कोप यानी हिंदी में इसे हम लोग आला कहते हैं, डॉक्टर साहब के देखें ना गला में लटका हुआ यहाँ पर रहता है जो कान में लगाते हैं, दो टर्मिनल होता है कान में लगाते हैं और पेशेंट के बॉडी पर यानी हार्ट पर क्या होते हैं एक ऐसे रहता है गोल, उसे हम लोग गोला स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे यहाँ देखिए फिगर में दिखाते हैं, देखिए ये है आपका स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप है इसे देखिए स्टेथोस्कोप है तो इसे पेशेंट के बॉडी पर रखा जाता है यानी हार्ट जो है उस वहां पर नहीं ब्रेस्ट चेस्ट पर रखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद ये कान में डॉक्टर साहब लगाते हैं और इसके बाद साउंड को सुनते हैं हर्ड करते हैं। देखिए तो आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट साउंड जिसे हम लोग लव के नाम से जानते हैं LUB लव, नहीं फर्स्ट साउंड है जिसे हम लोग लव के नाम से जानते हैं इज एसोसिएटेड विथ
क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। नहीं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होता है तो उस टाइम एक साउंड जनरेट होता है जिसे हम लोग लव के नाम से जानते हैं, एल यू बी। नहीं, ये हुआ फर्स्ट साउंड। सेकेंड है आपका, सेकेंड साउंड जो है जिसे हम लोग डब कहते हैं, डी यू बी। साबुन की बात नहीं है बाबू, ये क्या है, साउंड है, ठीक ना। तो सेकेंड साउंड है डब, इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व्स। यानी जब सेमी लूनर वाल्व्स जो हैं क्लोज होते हैं तो उस टाइम एक साउंड जनरेट होता है जिसे हम लोग डब के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारे हार्ट में दो साउंड होते हैं, नहीं जनरेट होते हैं, लव एंड डब। तो यही लव डब। हालांकि ये साउंड जो है इतनी आसानी से हम लोगों को पता नहीं चलता है, जैसे हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज किए, ज़्यादा दौड़े, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो जनरली हम लोगों को सुनना आता है कैसा, कि धक 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 ऐसे कर रहा है, नहीं, लेकिन ऐसा साउंड रिलीज होता है जब आला से सुना जाएगा तो, ठीक ना। अब देखिए और आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये था थ्री टॉपिक आज का, नहीं अब हम लोग जो भी अभी पढ़े उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, नॉर्मल हार्ट बीट इज अबाउट, यानी नॉर्मल हार्ट बीट जो है लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 50 to 60 टाइम पर मिनट, यानी एक मिनट में 50 से 60 बार। सेकेंड है 70 to 70, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या है, मिस प्रिंटिंग, 70 to 70 कैसे हो जाए, ये होगा 70 to 72, नहीं यानी 70 से 72, नहीं 70 से 72 बार पर मिनट। थर्ड है आपका 70 से 70, यहाँ भी ये भी मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 75, नहीं 70 से 75 टाइम्स पर मिनट है। और डी में है 90 to 100, नहीं यानी 90 से 100 पर मिनट। तो आप लोगों को बताया गया था जो एवरेज हार्ट बीट है वो कितना होता है, 72 टाइम्स, और वो कहाँ से कहाँ तक, 70 से 75 तक जाता है, ठीक ना। लेकिन एवरेज जो होता है वो आपका 70 से 72 बार होता है। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या होगा, वो फर्स्ट का आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, नहीं यानी 72 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज अबाउट, यानी एक कार्डियक साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, टाइम की बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए में है आपका 0.5 सेकेंड, सेकेंड में है 0.4 सेकेंड, थर्ड में है 0.8 सेकेंड, और जो डी ऑप्शन है यानी फोर्थ में आपका 0.3 सेकेंड। तो ए में 0.5 है, बी में है 0.4, और सी में है 0.8 सेकेंड, और डी में है 0.3 सेकेंड। तो आप लोगों को बताया गया था लेक्चर में ना क्या, कि एक कार्डियक साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो आपका कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। यानी ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर में क्या होगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो गया। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम जो है कितना होता है। ऑप्शन ए में है 50 ml, बी में है 60 ml, सी में है 70 ml, और डी में है 100 ml। तो आप लोगों को बताया गया था ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, यानी 70 ml, नहीं ये बताया गया था कि वन टाइम में, नहीं वेंट्रिकल से जो ब्लड रिलीज होता है ऑलमोस्ट 70 ml होता है, जिसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा सी, यानी आंसर हम लोग करेंगे थर्ड का सी, 70 ml। देखिए और लास्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
एन इंस्ट्रूमेंट, यानी एक इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू हर्ड हर्ट साउंड इज कॉल्ड, यानी हर्ट साउंड को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी क्या कहते हैं उसे। ए में है स्फाइग्मोमैनोमीटर, बी में है स्टेथोस्कोप, सॉरी यहाँ डबल टी नहीं होगा, नहीं एक ही टी होगा, देखिए तो सेकंड में क्या है, ऑप्शन बी में है आपका स्टेथोस्कोप, सी में है हीमोमीटर, डी में है नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को बताया गया है ना कि हर्ट साउंड जो है उससे सुना जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आपका फोर्थ का आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, आंसर करेंगे आप लोग बी स्टेथोस्कोप। तो ये था आज का लेक्चर, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है हर्ट से और भी रिलेटेड जो भी पार्ट जो है इसका बचा हुआ है उसे स्टडी करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहें, थैंक्स।